हे गाइस, वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। आज का हमारा प्लान था, वी वर प्लानिंग टू गो टू चकराता एंड उससे आगे एक जगह थी लोखंडी। एक फ्रेंड था जिसने एंड मौके पर ही बैक आउट कर दिया एंड अब प्लान तो देखो बना था, अब जाना तो है ही है कहीं पे एंड दिस वाज वेरी फ्रस्ट्रेटिंग फॉर मी। तो इस बार सोचा कि क्यों ना सोलो राइड ही मारी जाए एंड दिस व्लॉग विल बी कंटिन्यू टूवर्ड्स ऋषिकेश। मैं अकेला सोलो जाऊंगा ऑन माय बाइक एंड लेट्स फर्दर कंटिन्यू, होप फॉर द बेस्ट, फिंगर्स क्रॉस्ड। जो मेरा आज का रूट होगा वो सहारनपुर से ज्वालापुर रोड गंगा जी के किनारे किनारे होता हुआ हरिद्वार पहुंचेगा। हरि का द्वार भारत के साथ सबसे बड़े धार्मिक स्थान में से एक हरिद्वार का सनसेट देखते देखते मैं ऋषिकेश की तरफ चल दिया। और एक ये भाई साहब है, ये डीडी सी लगा रहे हैं, इनके साथ खड़े हो गए। फाइनली रीच योगा कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, वेलकम टू ऋषिकेश। दिस इज द होस्टलर्स, पर हुआ का मेरी जो रिजर्वेशन थी वो अलग थी तो मैं गलत जगह पे आ गया। अब मुझे इनका कोई सेकंड ब्रांच है, वहाँ जाना है। नाइस प्रॉपर्टीज। देर आर बेसिकली टू हॉस्टल्स ऑफ हॉस्टलर्स इन ऋषिकेश, जो एक तपवन में है और एक अप तपवन में है। सो दिस इज द अप तपवन हॉस्टलर्स। तो थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद अब मैंने अपनी बाइक यहाँ पे पार्क कर दी है एंड हॉस्टल्स के बिल्कुल सामने, और बस वॉकिंग डिस्टेंस पे यहाँ से लोकल जो मार्केट है, देरी गलियों से बढ़ते हुए हम लक्ष्मण झूला की तरफ। ये एक शॉर्टकट है बीच में से, वहाँ से मार्केट स्टार्ट। वेरी वेल प्लान्ड है वैसे, यहाँ पे मतलब व्हीकल्स अलाउड नहीं है, ओनली ऑफिशियल या कोई ऐसे व्हीकल्स। बाकी ब्यूटीफुल कलरफुल मार्केट सारे देखो, ये तो आपको बहुत ही ज़्यादा दिखेगा ऋषिकेश में, आपको एंट्रेंस में ये चीज़ें दिखने शुरू हो जाएंगी। देखो आपको ये वाइब्स आएंगे यहाँ से। पहुंच चुका हूँ तपोवन घाट। सो एट श्री सत्यसाई घाट आप यहाँ पर गंगा जी के किनारे पीसफुली टाइम स्पेंड कर सकते हैं। दिस इज नॉट एज क्राउडेड एज अदर घाट्स इन ऋषिकेश। तो ऑलमोस्ट अबाउट एक घंटा यहाँ बैठ कर पीस ऑफ माइंड ढूंढ कर जो थोड़ा बहुत मिला भी। बाकी जैसे आपको पता है टूरिस्ट प्लेस है तो यहाँ पे ऑब्वियसली थोड़ा रश ज़्यादा होता है, और अभी करीबन 8:15 हो चुके हैं बट स्टिल यहाँ पे थोड़ा बहुत रश है। बट स्टिल एक बात तो है, जो पहली बार ऋषिकेश आएगा तो उसके लिए तो मतलब बहुत ही डिफरेंट एक्सपीरियंस है। इस जैसी जगह अभी तक तो मैंने कहीं देखी ना, मतलब कदम कदम पर मतलब इतनी पॉजिटिव वाइब्स हैं, इतना वेल मैनेज्ड है और इतने ही मतलब पोलाइट लोग हैं। बाकी र्यूमर्स तो हर किसी ने सुनी होंगे बट स्टिल देखो ये यहाँ का व्यू है एंड अभी भी काफ़ी जो यहाँ गंगे हैं बहुत ही शांति से हैं, बट यहाँ पे एकदम ही हवा भी काफ़ी देर चलने लग जाती है और एकदम ही शांत हो जाती है। तो अब मैं सोच रहा हूँ कि मैं इस टाइम एक यहाँ पर कैफ़े है जिसके बारे में मैंने काफ़ी जगह से सुना था, सोशल मीडिया पे देखा था,
एंड काफ़ी भूख भी लगी हुई है, तो अब वहाँ कंटिन्यू करते हैं। अब यहाँ से निकलने का टाइम आ गया, बाकी कल मॉर्निंग में हम देखेंगे और कहाँ कहाँ विज़िट कर सकते हैं हम, नहीं मतलब मैं कहाँ कहाँ विज़िट कर सकता हूँ। और भाई जो यहाँ रश देखो आप, ये दो ढाबे हैं मतलब कमाल ही है यार, फुल वेटिंग है ढाबे में भी। और जो ये वुड फायर वाला पिज़्ज़ा है, ये इसका ये लैंडमार्क है, ये निर्मल टैटूस, इसके बिल्कुल राइट साइड में है ये। तो जो ये रास्ता है, ये रास्ता जा रहा है नीचे को टूवर्ड्स कैफे। ये अब हम पहुंच गए बीटल्स कैफे, सॉरी और भाई गिर गया था अभी यहाँ पे। हम आ गया बीटल्स कैफे, लुक एट द क्राउड गाइस, 360 डिग्री व्यू दिया हुआ और ये है व्यू। अनफॉर्चुनेटली यहाँ तो जगह अभी मिलने का चांस ही नहीं है, काफ़ी वेटिंग है, कहीं और ट्राई करते हैं, यहाँ तो मिला नहीं कुछ। तब एक ये टैग का, ये बिल्कुल बीटल्स के साथ है। ट्रेडिशनल आर्ट ऑफ इंडिया विद नेचुरल हैंडमेड पेंटिंग्स, बढ़िया। भाई गिरे गए, ये है ओम शांति शांति कैफे, देखो शायद यहाँ पे जगह मिल जाए। तो यहाँ पे शूज उतारने के बाद दिस इज व्हाट आई सी, आज का डिनर यहाँ पे ना, पहला वाटरमेलन जूस, पता थोड़ी डिहाइड्रेशन हो गई है। तो फाइनली डिनर इज रेडी, अब डिनर करने के बाद अब मैं वापस मूव करूँगा टुवर्ड्स माय हॉस्टल, क्योंकि करीबन 10 बज गए और अब हॉस्टल के ऊपर रूफ टॉप है, वहाँ जाके भी देखेंगे कैसा माहौल है, थोड़ी सी जगह भी रखेंगे थोड़ी देर के बाद मिलते हैं। Oh,
को अब डिनर करने के बाद मैं निकल रहा हूँ वहाँ से टूवर्ड्स माई हॉस्टल। एंड अब देखते हैं रात को 10 बजे ऋषिकेश कैसा दिखता है, कितना अगर लोग इस टाइम मार्केट में अवेलेबल है, कितना अगर प्रॉब्लम है अभी देखता है, देखते कितना अगर लोग अभी मार्केट में है। अब बताओ क्या शॉपिंग कर रही है हमने, बहुत कुछ है जो आपको पसंद है। तो अभी मैंने इन भैया की शॉप से 4 मैग्नेट्स लिए। इंसान अंधेरी गलियों से हॉस्टल की तरफ बढ़ता हुआ, इस टाइम पहुंच गया मैं अपने डोमेट्री के पास। डोमेट्री है हम तो सोच रहे थे कि गोरखपुर में।